32% हुए हैं। इससे यह हालात है कि रामनवमी का जुलूस तक नहीं निकलने देते, यह हालात बनते जा रहे। काश ये 40 से ऊपर हो गए तो हमारी बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। हेट स्पीच से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये आतंकवादी गतिविधि है कि जानबूझ के उन्होंने अपना वीडियो भी पब्लिक डोमेन में डाला था कि पूरी दुनिया के सामने वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रही हैं। देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इन लोगों को इनकी सही जगह सलाखों के पीछे यानी कि जेल के पीछे कानूनी कार्रवाई करके नहीं भिजवाएंगे इस केस में भी। और जो दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में भी, वहां आपने देखा होगा क्रिश्चियन की जो चर्च घर के अंदर क्रिश्चियंस को घुस के इसलिए मारा गया था कि वो अपनी जो आराधना या जिसको कहते हैं अपनी जो वर्शिप अपने घर के अंदर कर रहे थे, तो वहां भी कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अशोक गहलोत साहब के अंडर जो पुलिस आती है उन्होंने अब तक इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई यानी कि यूएपीए का आतंकवाद का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। फायदा होगा अगर अब भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के इन संगठनों के खिलाफ यूएपीए यानी आतंकवाद के मुकदमे दर्ज नहीं किए। वो पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं जो इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों को अपने आप एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शंस माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए। राइट, तो जो गलत काम कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, उनकी जिम्मेदारी छोटी होती है, क्योंकि जो आरएसएस के लोग सरकारी संस्थानों में घुसे हुए हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक ये सब चीजें होती रहेंगी, क्योंकि ये लोग आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू सेना हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये आईएसआई जो पाकिस्तान की है और चाइना के साथ मिलके ये सारी गतिविधियां देश को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे जब तक जो नॉन आरएसएस की ताकतें हैं, जो आरएसएस से हट के ताकतें हैं, वो देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इन लोगों को इनकी सही जगह सलाखों के पीछे यानी कि जेल के पीछे कानूनी कार्रवाई करके नहीं भिजवाएंगे इस केस में भी। अशोक गहलोत सरकार की मैं गलती मानता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना उन्होंने नहीं की है। कर्नाटक के चुनाव में जो भारत के संविधान और कानून को लागू करने के वादे की वजह से जो कर्नाटक के लोगों ने वोट दिए थे, ये राजस्थान और जो दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में भी, वहां आपने देखा होगा क्रिश्चियन की जो चर्च घर के अंदर क्रिश्चियंस को घुस के इसलिए मारा गया था कि वो अपनी जो आराधना या जिसको कहते हैं अपनी जो वर्शिप अपने घर के अंदर कर रहे थे, तो वहां भी कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई बजरंग दल के लोगों के खिलाफ। यहां भी ये जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं एक, उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जानबूझ के उन्होंने अपना वीडियो भी पब्लिक डोमेन में डाला था कि पूरी दुनिया के सामने वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रही हैं, और ना सिर्फ धज्जियां उड़ा रही हैं, ये भी बता रही हैं कि कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, ये वो खुलेआम दुनिया को बता रही हैं। सर, हमने जिस तरह से देखा लगातार इस तरह की स्पीचेस थी, उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद नफरती डर जाएंगे या अब पुलिस की कार्रवाई होगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है जैसा आपने कहा भी, तो दूसरी सरकारों से तो क्या ही उम्मीद की जाए जब खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर बताने वाली पार्टी की पुलिस जो है इस घटना की वीडियो के वायरल हो जाने के बाद भी शांत बैठी है। देखिए, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि सेकुलर लफ्ज बोलने की बजाय आपको संविधानिक सरकारें जो बताती हैं अपने आप को कि हम संविधान की जो शपथ लेके बैठे हैं वो सच्ची शपथ लेके बैठे हैं, ये अशोक गहलोत साहब से सवाल करना चाहिए, और ये कांग्रेस की हाई कमांड से आपको सवाल करना चाहिए कि किस वजह से अशोक गहलोत साहब के अंडर जो पुलिस आती है उन्होंने अब तक इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई यानी कि यूएपीए का आतंकवाद का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। तो क्या कर्नाटक में भी बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा, या कर्नाटक में भी उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा? ये सवाल जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं अभी से कांग्रेस पार्टी से पूछने शुरू कर देने चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली इसका नुकसान देश के जो संविधानिक पार्टियां हैं उनको होगा, और आरएसएस और बीजेपी को फायदा होगा अगर अब भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के इन संगठनों के खिलाफ यूएपीए यानी आतंकवाद के मुकदमे दर्ज नहीं किए। और आरएसएस और बीजेपी दूसरे तरह का हिंदुत्व रखती है जी। वो पॉलिसी उनकी हर जगह नाकाम हुई जी। आप लोगों ने देखा, क्योंकि भारत देश की जनता ये नहीं चाहती, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग,
ये नहीं चाहते। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की वजह जो है, मैंने पहले भी बताई है और आज मैं फिर आपके सामने बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक वजह उसकी बड़ी ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था। मैंने उस टाइम भी इस फैसले की तारीफ की थी कि ये पहला कोई बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है बहुत दिनों बाद। एक वजह कर्नाटक की वोट थी, वहां 17-18% SC कम्युनिटी के वोट हैं और 7-8% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वोट हैं कर्नाटक में, ये बात नहीं भूलनी चाहिए जी। तीसरी बात के मुस्लिम कम्युनिटी के वहां 13-13.5% वोट हैं जी। ये सारे मिला और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के 2% मान लिए जाए तो करीब 40% वोट और कांग्रेस के 42% कुछ वोट आए, 43% से कम वोट आए। 40% वोट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के कर्नाटक में। खड़गे साहब को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया, उसका फायदा, ये तीनों कम्युनिटीज ने मजबूती के साथ वोट दिया। चौथी कम्युनिटी जो थी वो लिंगायत कम्युनिटी, जो बहुत दिनों से उनकी मांग रही है कि हम एक अलग धर्म है, हम भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने वोट दिए हैं कांग्रेस पार्टी को जी। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो भी कांग्रेस पार्टी को मिला है। JDS की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि JDS ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, अगर वो एकदम सेल्फिश बन के अपनी कैंपेनिंग करते तो शायद ये स्थिति ना होती कांग्रेस की। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ JDS ने अपनी कैंपेनिंग की, उन्होंने कोई सेल्फिश तरीके से अपनी कैंपेनिंग नहीं की, तो इस वजह से ये सरकार बनी है। लेकिन अगर ये जनता को धोखा देगी सरकार, अगर ये जनता को धोखा देगी यानी कि अपना जो मुद्दे थे उस मुद्दों पे नहीं चलेगी, तो वो इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी जो है फिर वो RSS की मदद करेगी, क्योंकि ये मैनिफेस्टो साफ है, इतना बड़ा जो बहुमत मिला वो साफ तौर पे इस बात के लिए मिला है कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी नॉन RSS और BJP पार्टियां हैं वो संविधान को पालन करेंगी, इससे ज्यादा कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, और भारत के हक में काम करेंगी। चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ताकतें हैं उनको रोकेंगी। अगर ये नहीं करेंगी कांग्रेस पार्टी या दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां तो उसका अंजाम यही होगा कि RSS फिर मजबूत हो जाएगी, BJP फिर मजबूत हो जाएगी। सर, हम जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि क्या साध्वी प्राची की इस स्पीच को हेट स्पीच के दर्जे में रखा जाना जा सकता है या रखा जाना चाहिए? क्या ये वाकई हेट स्पीच है जिस तरह से बयान दिया गया है? हेट स्पीच से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा जी। ये आतंकवादी गतिविधि है, ये उसी तरह की आतंकवादी गतिविधि है जिस आतंकवादी गतिविधि में भारतीय जनता पार्टी और RSS के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, कि जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी, वो भी साध्वी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये उसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि है जी। जिसके लिए वो इतने सारे मुकदमे झेल रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन देश के एक बहुत बड़े ईमानदार और बहादुर देशभक्त पुलिस ऑफिसर हैं जो हेमंत करकरे साहब थे, उन्होंने की थी। और सरकार, ये RSS और BJP की सरकार आज पूरी ताकत लगा रही है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सारे गवाह टूट जाएं, उनके सारे गवाह होस्टाइल हो रहे हैं। अगर आप लोग, इस पे भी एक स्टोरी करनी चाहिए आपको अलग से, NIA जो है वो बिल्कुल भी ठीक से उसमें पैरवी नहीं कर रही है और सारे गवाह उसमें होस्टाइल हो रहे हैं उनको बरी कराने के लिए। लेकिन ये NIA के ऑफिसर्स के खिलाफ भी आप लोगों को एक स्टोरी करनी चाहिए और मेरे ख्याल से इन NIA के ऑफिसर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग जो है भारत के जो संविधानवादी लोग हैं उन्हें करनी चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।